क्या आपको पता है बिहार में नाई जाति के लोगों की संख्या कितनी है? नहीं पता तो हम बता देते हैं। पूरे बिहार में नाई जाति के लोगों की संख्या 21 लाख बताई जा रही है। इस 21 लाख में 38% यानी लगभग 8 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। अब इस नाई जाति ने भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकजुट होना शुरू कर दिया है। पूरे बिहार के नाई जाति के नेताओं ने अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए आगामी 1 फरवरी को पटना में विशाल प्रदर्शन करने के साथ साथ जन शताब्दी समारोह मनाने का ऐलान किया है। इसी को लेकर नाई जाति संघ पूरे बिहार में जन जागरण रथ के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। इसी क्रम में यह जन जागरण रथ आज कटिहार पहुंचा। कटिहार पहुंचने पर कर्पूरी बाजार में नाई जाति संघ के लोगों एवं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इस जागरूकता रथ का जबरदस्त ढंग से स्वागत किया। इस जागरूकता रथ का नेतृत्व नाई संघ के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर और उपाध्यक्ष उमेश ठाकुर द्वारा किया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर एवं उपाध्यक्ष उमेश ठाकुर ने कहा कि नाई जाति के सभी लोगों को 1 फरवरी को अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए पटना आना है, जहां संघ द्वारा विशाल और भव्य जनशताब्दी समारोह मनाया जाएगा। मित्रों, ये रथ जो जागरण रथ जो निकला है, ये अति पिछड़ा और नाई समाज को लेकर के निकला है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, 1 बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने जो आरक्षण लागू किया पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लिए, जो आज पूरे बिहार में उनके आरक्षण के बल पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और बिहार की तमाम नौकरियों में वो जा रहे हैं। लेकिन हम जब सरकार को दबाव दिए हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए, तो जातीय जनगणना जब हुआ है तो उसमें 121 जाति का जनगणना सामने में आया है। उस जनगणना में अति पिछड़ा समाज का 36% ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन इस जनगणना के आधार पर सरकार ने दिखाया कि आर्थिक जनगणना, ये समाज के लोग 38% से नीचे गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। साथ ही इन समाजों की लोग नहीं तो आर्थिक स्थिति मजबूत है, नहीं व्यवसायिक स्थिति मजबूत है और ना ही शैक्षणिक स्थिति मजबूत है और नहीं नौकरी पेशा में ये लोग मजबूत है। ये लोग जो 38% जो आरक्षण की आधार पर जो गरीबी रेखा से आज 77 बरस के बाद भी पीछे चल रहा है, इन्हीं लोगों की मांग के लेकर के ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को रथ को निकाला गया है। इन नेताओं ने यह भी कहा है कि हमारी कई मांगे हैं, जिनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना, केस कला बोर्ड का गठन करना और सभी स्टेशनों पर सैलून के लिए जमीन मुहैया कराना आदि शामिल है। इन नेताओं का कहना है कि अब तक राजनीति में सहभागिता के क्षेत्र में नाई जाति को हमेशा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। इस मौके पर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो सहित कई अन्य राजद नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कहा कि बिहार में हुई जाति जनगणना के अनुसार राज्य में नाई जाति के लोगों की संख्या 21 लाख है, जिनमें से 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम लोग एक नाम, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, बेजुबानों की आवाज जिसकी कोई सुनने वाला नहीं, एक नाम है जन नायक का। और हम लोग विद्यार्थी जीवन से, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित को, एससी एसटी को अधिकार दिलाने के लिए अपमानित हुआ ना, जितना ठीक उसी तरह पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति को सम्मान दिलाने के लिए अपने जैसे अंबेडकर अपमानित हुए थे लोगों का अधिकार दिलाने में, उसी तरह इनको भी बहुत अपमान का घूंट पीना पड़ा है। हम लोग के शरीर में जितना भी खून है, कतरा कतरा जननायक जी के सपनों को पूरा करने में भी लगा देंगे तो कम होगा, जितना उन्होंने समाज के लिए क्या क्या गाली नहीं सुनी है उन्होंने। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम पवन ठाकुर जी,
वैद्यनाथ ठाकुर जी, उमेश ठाकुर जी और तमाम इस मंडली और जहाँ जितने हमारे कटिहार के सतीश ठाकुर सहित मुकेश, राजेंद्र, खगेश, महेंद्र, तमाम हम नौजवान, जयप्रकाश, तमाम लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि भैया घर घर बताइए। हम लोग तो सार्वजनिक तौर पर बोलते रहे हैं, हमारे पिताजी अभी दुनिया में नहीं है, स्वरूप चंद महतो नहीं है, लेकिन हम जब से जननायक के नज़दीक आए हम लोग सार्वजनिक जगहों में बोलते हैं कि हम उनके विचार पुत्र, मानस पुत्र, हम लोग उनको ये दर्जा दिया है। इसीलिए जो लोग भी हम लोग, जितने भी हम लोग के शरीर में जब तक सांस चलेगी, जननायक और जननायक के विचारों को, उनकी नीतियों को और गरीबों की आवाज़ को, उसी तरह कौन नेता सुनता था, वो एकदम सबका पुलंडा आवेदन लेके जाते थे और सबका जवाब देते थे। इसीलिए हमको वो, हम लोगों के जीवन के लिए आज भी जननायक प्रेरणा के स्रोत हैं। चाहे जितना भी सृष्टि आएगी जाएगी, लोग आएगा जाएगा, लेकिन जननायक और जननायक का विचार और जननायक का कृत्य और जननायक ने जो किया है वंचितों के लिए, वो अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे।